पास मेरी जेठानी की भिटोली आ रखी है, ये मेरी जेठानी की मम्मी। ये वाला घास हुआ है आप देख सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ जौंत बोलते हैं। भैया जो कृषि विभाग वाले हैं वो ये वाली दवाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये वाली दवाई थोड़ा थोड़ा छिड़काव आप लोग कर देना। गुर्रे जैसे भी मेरे से बनते थे मैंने बना लिए हैं, वैसे गुर्रे मेरे से अच्छे नहीं बनते हैं। जरा सा डार दबलो मानना वो दस्तुरा इसके लिए आप डार को मारो सहन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरीद क्षेत्र से। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। चलिए जी आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। मॉर्निंग का 8 बज चुका है। आज के दिन की जो भी दिनचर्या रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रोज की तरह। वीडियो भी अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अभी इस टाइम मैं बना रही हूँ किचन में सुबह सुबह नाश्ता, और आज ना नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पे भटूरे और सब्जी। थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। भटूरे जैसे भी मेरे से बनते थे मैंने बना लिए हैं, वैसे भटूरे मेरे से अच्छे नहीं बनते हैं, फूलते नहीं है मेरे से अच्छी तरह। यहाँ पे आज नाश्ता करते वक्त पापा ने धमकी दी है दोनों को। क्या दी है बताओ? बाल। क्या बाल? जीरो काट के लाना। बाल पूरे जीरो काट के लाना और दाना चीना जाना करके दोनों से बोल रखा है। और अभी का क्या कहना है, क्या क्यों चिल्ला रहा था अभी तक अब बता। इसका स्कूल खुलेगा तो ये काटेगा, मेरा स्कूल नहीं खुलने तो मैं जीरो नहीं काटूंगा। इतने बड़े बाल हो रखे आप देख सकते हैं ये, इसलिए पापा ने इनको डांट रखा है कि दाना चीना जाना जीरो वाली मशीन लगवा लाना करके। ठीक है ठीक है। अभी क्या मैं नहीं जा रहा, मैं घर में काटूंगा। घर में कौन काटेगा? तेरा नौकर कौन है घर में? चंदू चा तुम्हारे नौकर है क्या? तक मैं नाश्ता कर रही थी और नाश्ते के बर्तन धो रही थी, तब तक आई थी पापा यहाँ पे ना खेतों की सिंचाई कर रही है। थोड़ा पानी धनिया में डाल रही हूँ, बाकी शिमला मिर्ची वगैरह में पानी डाल रहे हैं। तो अभी इस टाइम मैं तोड़ रही हूँ वाले खेत से हरी सब्जी, जो मैं दोपहर में चावल और दाल के साथ बनाऊंगी। हरी सब्जी तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ बकरी को। और कल से ना हमारे आयुष के पापा ने ना एक पानी का कनेक्शन यहाँ पे भी कर दिया है। यहाँ पे ना हमारा पीने वाला पानी आएगा, आधे इंच बाल होने चाहिए पूरे सर में। ठीक है क्यों करके लाऊंगा? क्यों से काटूंगा? हल्दी ऊपर से हल्दी साइड से उगाने पूरे काट के लाना, दो तीन दिन फिर बड़े हो जाते हैं। पापा से इसके साथ जा रहा है ये। हाँ तो पापा ने तो मेरे को दी है ना, मैं कटवाऊंगा ना तुझे जो मम्मी से पे मार तो पहले बाल काटने के। क्यों मार मार तो वो बड़ा है ना, पैसे तो बड़ा है तो मेरे को क्यों चाहिए ना? क्यों चाहिए तेरे को? क्यों बाल जब काटेंगे तो वही दे देगा पैसे मेरे को दे। क्यों दू? बाल पूरा जीरो करके लाएगा ना, कटवाएगा वहां वो गंदा काटते हैं वो मैं नहीं काटता वैसे। नीचे से जीरो ऊपर से बस खत्म बात। इधर दे मेरे रुपए। तेरा नाम लिखा है? इधर दे तेरा नाम लिखा है। मम्मी मांगते यार ये वीडियो क्यों बना रही तू? पैसे दे रहे उसके कहां से? 100 रुपए का आधा काट दूं तो 100 दिए हैं, 100 में 50 का। अरे यार तू दे देना 50 है, 100 का तू रख ले। कहां से तुम खोद के ला रहे हो? मम्मी ये बड़े बड़े कटवा के लाएगा। कैसे कटवाऊंगा? कड़ी कड़ी मुझे समझ रहा है मेरे को कट लगाने वाला। हां तो उसमें लगाऊंगा ही तू क्या? मम्मी से मांग तो मम्मी से मार। शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ से मैं अपनी वीडियो को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर में बहुत ज़्यादा बंदर आ गए थे, बंदर भगाने में जुटे थे सभी लोग। और यहाँ पे आज मेरी जेठानी की भिटोली आ रखी है, ये है मेरी जेठानी की मम्मी। भिटोली देने के लिए सुबह आए थे, मेरी तो इनसे अभी मुलाकात हो रही है। अभी मैं जा रही थी खेत की तरफ घास काटने के लिए, तो यहाँ पे ये है दोनों समदड़ी समदड़ी छन या सास छन या मम्मी छन। तो अभी ना जाना तैयारी होने और ये कोला ना क्या तो भिटोली का महीना है तो सभी के मायके वाले आते हैं भिटोली देने के लिए। किसी का भाई आता है, किसी की मम्मी आती है, किसी के भाभी लोग आते हैं। तो आज मेरी जेठानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है और ऊपर से हमारे सासू लोग भी ताई जी लोग भी सभी बैठे हैं। तो गाइस मेरी जेठानी की खुशी आप देख सकते हैं, दो यहाँ पे सूट आ रखे हैं इनके लिए। और आज भिटोली में आई है ये वाले कपड़े मेरी जेठानी के, पूरी जाने की इनकी तैयारी हो गई है। यहाँ पे बैग भी पैक कर दिया गया है और इल्लत दीपू जमात अगले धरेली ब्याह लीजिए इंतजाम करने लीजिए उन भैंसू घर में।
सभी लोग जाने लगे हैं यहाँ पे, और ऊपर से आ रही है गाड़ी, गाड़ी आ रही है इनके ही वहाँ से, सिर्फ इन्हीं को ले जाने के लिए। इले वा कदी ऊपर में पहला तुम नो पहला हाँ क्या आया को बता हाँ ये ले जा रहे खास यहाँ आए को नहीं पहला रुको मम्मी लगी एक ना आंसू तो अपनी रोई जरा सा डांट दबलो मानना बस तुरा जा रहे हैं खेत में घास काटने के लिए, और साथ में ना जो प्याज हमने लगाया था ना वो प्याज पता नहीं क्या हो गया, प्याज ताई जी बताएंगी प्याज में पता नहीं क्या हो गया, प्याज के पत्ते पूरे खाने पूरा खराब हो गया, प्याज बहुत ज्यादा खराब जैसा हो गया, पत्ते उसके खराब हो गए। और यहाँ पे हमारे भैया जो कृषि विभाग वाले हैं वो ये वाली दवाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये वाली दवाई थोड़ा थोड़ा छिड़काव आप लोग कर देना, जा ही रहे हो खेत में करके क्या है ट्राइकोटर्मा जो भी दवाई है इसको कैसे डालना होता है, मैं लाई थी घर से गोबर का डलिया और मैंने यहाँ यहीं पे रास्ते में ही का डलिया नीचे रख के ऊपर दीदी के साथ उनकी मम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए उनके वहाँ पे गई। फाइनली हम लोग ना खेत में पहुंच गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा प्याज खराब हो चुका है, पूरा काला हो गया है, और दीदी भी नीचे ना दवाई डाल रहे हैं, दवाई डालने के बाद ना हम लोग घास के लिए जाएंगे। तो गाइस प्याज में दवाई डालने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे घास के लिए, आज मैं घास के लिए आई हूँ अपनी जेठानी के खेत में, और यहाँ पे ये वाला घास हुआ है आप देख सकते हैं जिसको ना हम जवान बोलते हैं, और बाकी सभी गाँव की महिलाएं अभी घास से घर की तरफ जाने लगी, नीचे जा रही है दो दीदियाँ, बाकी हमारा भी अच्छा खासा वाला यहाँ पे घास हो गया है। अब जितने भी यहाँ पे आपको नीचे साइड में अलग से पेड़ दिख रहे हैं ये सब जवान बोला जाता है, और बाकी आधे खेत में है गेहूँ, बाकी ऊपर से पीरू लोग भी घास से आ गए हैं। और आज मेरी जेठानी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी है क्योंकि आज ना इनकी भिटोली आ रखी है, अब मेरी भिटोली ना पता नहीं कब आती है। तो गाइस फाइनली आ गई मैं घास से भी घर में, और अभी यहाँ पे ना आप आयुष को देख सकते हैं, आयुष भी आज बाल काट के लाया, और बाल यहाँ पे ऐसे ही हैं बड़े बड़े, नीचे से सब साफ है आप देख सकते हैं इसका सर, कुछ इस तरह से इसने बाल बनाए हैं। क्या कर रहे हैं बड़े हो गए तो हमारा कुछ जोर बनता ही नहीं है, ना डांट देनी है हम उनका ले बाल काट के लाया है, थोड़ा बहुत छोटे बनाए हैं तो अब टोपी नहीं है बाल पास। सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि घर में ना बहुत ज्यादा बंदर आ गए थे, बंदर भगाने में ही थे सब लोग, अपन अपन बाढ़ बंदर भगुनाची यू लहला कभी बहुत ज्यादा आ जाते हैं जब आते हैं तो हमारे यहाँ बंदर, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आराम किया क्योंकि दिन भी लंबे हो गए हैं, दिन में दोपहर में बहुत ज्यादा तेज धूप लग रही है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं ऐसा करके। तो फिर मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया बंदर भगाते कहते हैं ना यू लहला जोर जोर से कहना पड़ता है, इसीलिए सर में दर्द हो गया था जोर से बोलने पे। तो फिर मैं गई खेत में जाने के बाद जब मैंने प्याज में वो डाला दवाई डाली जब प्याज में मैंने और दीदी ने हम दोनों ने, तो उसके बाद फिर से एक दूसरा खेत है हमारा मसूर का, उसमें भी लगभग 8 से 10 बंदर बैठ के सब मसूर उखाड़ के खा रहे थे क्योंकि वो मसूर जो है पहले का बोया हुआ वाला था, मसूर क्वास लग गई मतलब, तो मसूर क्वास कर बानर आराम बैठ गया खाना चाहिए। फिर वहाँ मैंने अपने दराती डलिया फेंकी वहां से वो ऊपर वाले खेत में गई, वहां जाके मैंने फिर बंदर भगाए बहुत ज्यादा भगाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगी, अब साग सब्जी बनाने का इंतजाम करती हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी है फीकी वाली चाय, और आयुष गया है नींबू तोड़ने के लिए पेड़ में, कागज नींबू तोड़ जा रहा हूँ पेड़ में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय देव भूमि उत्तराखंड के पहला गांव।